हेलो एवरीवन, मैं आज आप सभी के साथ किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में मिलने वाले बेस्ट कॉम्बो रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। अगर आपका कुछ चाइनीज़ खाने का मन है तो आप ये रेसिपी घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। मैं आज आप सभी के लिए सिजलिंग कॉम्बो की रेसिपी लेकर आई हूं। आप चाहें तो इसे बगैर सिजलिंग के भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप बासमती चावल लिए हैं। आप कोई भी राइस ले सकते हैं। इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश करके 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। पनीर चिली बनाने के लिए पनीर के पीसेस को इस तरह से थोड़ा सा मोटा क्यूब्स में कट कर लेंगे। मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर करेंगे। इसमें नमक, व्हाइट पेपर पाउडर, अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कुछ देर के लिए इसे यूं ही छोड़ देंगे ताकि कॉर्नस्टार्च जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब कर ले। एक मीडियम साइज का प्याज लेंगे। इसे 4 भागों में कट करके इसके पत्तों को इस तरह से अलग कर देंगे। चावल बनाने के लिए पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। इसमें चावल डाल के 1 से 2 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। इसमें पानी, नींबू का रस और नमक डाल के खुले में ही पकाएंगे। इसे ढक के नहीं पकाना है। पनीर चिली के जो हमने पनीर रखा था उसमें 1 टेबल स्पून मैदा, 1 टीस्पून चावल का आटा और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पनीर फ्राई करने के लिए रेडी है। चावल को चेक कर लेते हैं। चावल 60 to 70% हो चुके हैं। इन्हें छान के पानी को अलग कर देंगे और इसे ट्रे में या प्लेट में फैला के थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये खिले खिले रहें। मैंने यहाँ पर इस तरह का एक चाइनीज वॉक लिया है। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के पनीर को फ्राई कर लेंगे और इन्हें बाहर निकाल देंगे। गोल्डन क्रिस्प पनीर पनीर चिल्ली के लिए बनकर बिल्कुल रेडी है। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चाइनीज वॉक का यूज किया है। आप चाहें तो इसकी जगह लोहे की कढ़ाई का भी यूज कर सकते हैं। इसमें चॉप की हुई अदरक और लहसुन डालेंगे। जब अदरक लहसुन थोड़े से सौते हो जाएंगे तो इसमें चॉप किए हुए प्याज और चॉप की हरी मिर्ची डालकर इसे भी सौते कर लेंगे। जब प्याज थोड़े से सौते हो जाएंगे तो इसमें बारीक चॉप की हुई गाजर और बारीक चॉप की हुई बीन्स डालेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी वेजीज एड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च डाली है और बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ऐड की है। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी लाइट सोया सॉस या डार्क सोया सॉस और थोड़ी सी चिली सॉस और व्हाइट पेपर पाउडर डालेंगे। हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे लो फ्लेम पे नहीं भूनना है, हमें सब्जियों को गलाना नहीं है। जब ये सब्जियां अच्छे से भुन जाएंगी तो इसमें रेडी किए हुए चावल ऐड करेंगे और चावलों को हल्के हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया या स्प्रिंग अनियन डालेंगे और थोड़ा सा विनेगर डाल के इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ग्रीन अनियन हो तो आप इसमें ग्रीन अनियन ऐड कर सकते हैं। हमारे फ्राइड राइस बनकर बिल्कुल रेडी है। पनीर चिली की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बोल में 2 टेबल स्पून टमाटो सॉस, 1 टीस्पून शेजवान सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और थोड़ी सी सोया सॉस डाली है। इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालकर इसमें 2 टेबल स्पून पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी पनीर चिली के लिए कॉर्नफ्लोर और सॉसेस की स्लरी बनकर बिल्कुल रेडी है। सेम वही चाइनीज वॉक लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर डालेंगे। इसमें चॉप की हुई गार्लिक और जिंजर ऐड करेंगे। इसे थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे। इसमें लंबाई में कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। इसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। प्याज जब थोड़े से सौते हो जाएंगे इसमें रेड, ग्रीन और येलो कैप्सिकम ऐड करेंगे। इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसे 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। जब सब्जियां थोड़ी सी सौते हो जाएंगी तो रेडी की हुई कॉर्नस्टार्च और सॉस की स्लरी इसमें डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप चाहें तो पनीर चिल्ली को थोड़ा सा ड्राई रख सकते हैं। मैं इसमें हल्की सी ग्रेवी बना रही हूं क्योंकि इसे फ्राइड राइस के साथ सर्व करना है। इसमें रेडी किया हुआ पनीर डालेंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सर्व करने के लिए पनीर चिल्ली बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसमें ग्रीन स्प्रिंग अनियन ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। सिजलिंग के लिए सिजलर प्रिपेयर करते हैं। इस सिजलर प्लेट को फुल आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए गैस पे रख देंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगी तो इसे नीचे उतार कर इसमें इस तरह से पत्ता गोभी के पत्ते रख देंगे। उसके ऊपर फ्राइड राइस डालेंगे। फ्राइड राइस के ऊपर चिली पनीर डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद एक चिमटे की मदद से पत्ता गोभी के पत्ते को ऊपर करके इसमें नीचे से थोड़ा सा बटर डालेंगे। बटर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा विनेगर डालेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से धुआं निकल रहा है। इसमें काफी अच्छे से सिजलिंग हो रही है। होटल रेस्टोरेंट स्टाइल बेस्ट सिजलिंग कॉम्बो रेसिपी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इस तरह से इसे
घर में बनाएं और इंजॉय करें। अगर आप सिजलिंग नहीं करना चाहते तो इसे नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हैं। एक सर्विंग प्लेट लें, इसमें फ्राइड राइस और पनीर चिल्ली को इस तरह से सर्व करें। विदाउट सिजलिंग भी ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप इसे घर पर बनाएं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।